हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रामगढ़ टेक में। दोस्तों, आज का यह बहाली का अपडेट बहुत ही बड़ा बहाली का अपडेट निकल कर आया। दोस्तों, मैं बता दूं, ग्रुप सी और डी का बहाली का अपडेट यहां पर निकाल दिया गया है। तो जैसा कि आप जानते, बहुत ही कम ग्रुप डी का और सी का बहाली का अपडेट निकाला जाता है। पियोन, नाई, धोबी, प्लम्बर, लाइनमैन, मेल कम स्वीपर, क्लीनर, हॉस्टलर, अटेंडेंट, फीमेल लेबोरेटरी असिस्टेंट, लैब क्लीनर, ये सब पद पर बहाली का अपडेट फिर से निकाला गया। प्यून, दफ्तरी, ये सब जो निकाला जाता है बहाली, ये सब बहुत ही कम निकलता है और यहाँ पर निकल कर आ रहा है सभी भारतीय कैंडिडेट के लिए। तो हर स्टेट से जो भी कैंडिडेट होंगे, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, दिल्ली या फिर कोई भी यूपी, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सभी लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो क्या अपडेट निकला है, कहां से अपडेट निकला है, फॉर्म को किस तरह से भरना है, पूरा डिटेल में हम आपको बताने वाले इस वीडियो में। तो चलिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि हमारा वीडियो बनाने का मेहनत बस आपका एक लाइक करना है। तो बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका एडवर्टाइजमेंट जो निकाला गया, गुरुग्राम यूनिवर्सिटी, गुरुग्राम हरियाणा के तरफ से ये अपडेट निकाला गया और इसमें बताया जा रहा है द यूनिवर्सिटी इनवाइट्स एप्लीकेशन नॉन टीचिंग पोस्ट, दफ्तरी प्यून, होटल अटेंडेंट मेल, हॉस्टल अटेंडेंट फीमेल, लेबोरेटरी क्लीनर, लैब क्लीनर, लाइब्रेरी अटेंडेंट, लैब अटेंडेंट, कारपेंटर ग्रेड वन, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर ग्रेड टू, लाइनमैन, माली कम चौकीदार, स्वीपर, क्लीनर। तो ये सब पद पर बहाली का अपडेट निकाला गया और ये फॉर्म भरने का आखिरी डेट 29/11/2018 बताया जा रहा है। 29/11/2018 तक आप इसका आवेदन कर सकते हैं और इसका जो वेबसाइट है आप यहाँ पर देख सकते हैं। पूरा डिटेल में देखने के लिए आप गुरुग्राम यूनिवर्सिटी .ac.in में जाकर देख सकते हैं, लेकिन देखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। पहले आप पूरा जानकारी ले लीजिए किस तरह से भरना है, उसके बाद आप जाकर पूरा डिटेल में देख सकते हैं। तो चलिए, हम पूरा जानकारी आपको दे देते हैं। तो इसमें ग्रुप सी और डी का बहाली का अपडेट निकाला गया और देखिए, इसका जो अपडेट, जो फॉर्म भरने का यहाँ नियम बनाया गया, मैं बता दूँ, ये फॉर्म नियम भरने का यहाँ पर जो बताया गया, देखिए इसका जो एड्रेस है यहाँ पर देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार गुरुग्राम यूनिवर्सिटी गुरुग्राम, ये इसका पिन कोड है 122018। आपको ये फॉर्म जो है पोस्ट के माध्यम से भेजना पड़ेगा, ऑफलाइन फॉर्म है और इसका आखिरी डेट जो है 29/11/2018 शाम 4 बजे तक आपको यहाँ पर पोस्ट के माध्यम से भेजना पड़ेगा इस फॉर्म को। और आप नीचे में आएंगे तो चलिए हम आपको पूरा डिटेल में दिखाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो इसका अपडेट निकल कर आता है, अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए, आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना होगा। इसमें एप्लीकेशन फ़ीस बनाया गया, जनरल ओबीसी को 500 रुपया इसमें लगने वाला है, एसटीएससी को यहाँ पर 125 रुपया लगने वाला है। तो इस तरह से इसका फीस बनाया गया है और आपको डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से बैंक में जाकर डिमांड ड्राफ्ट बनाना होगा, तभी आपको वो डिमांड ड्राफ्ट को पोस्ट के माध्यम से भेजना पड़ेगा। और इसका देखिए, जो सीट वगैरह, इसका पे स्केल यहाँ पर देखिए पूरा डिटेल में देखने को मिल जाएगा आपको। पोस्ट बाय पोस्ट यहाँ पर सीट दिख रहा होगा, दफ्तरी में 2 है, उसके बाद पीयून में यूआर को 4, एससी को 1, बीसी 1 को 1 है, उसके बाद हॉस्टल अटेंडेंट में 1 है, उसके बाद हॉस्टल अटेंडेंट में 1 यूआर को दिया गया, लाइब्रेरी क्लीनर में यहाँ पर 1 है, लैब क्लीनर में यहाँ पर 1 है, उसके बाद देखिए लाइब्रेरी अटेंडेंट में 1 है, उसके बाद लैब अटेंडेंट में 3 बनाया गया, कारपेंटर ग्रेड 1 में 1 है, प्लम्बर और या फिर लाइनमैन, मेल कम माली चौकीदार, ये सब सभी में 1-1 सीट बनाया गया, और स्वीपर क्लीनर में 1 बनाया गया। और यहाँ पर 7 CPC के तहत आपको पेमेंट प्रति महीना मिलने वाला है। तो इस तरह से इसका एडवर्टाइजमेंट बनाया गया और आपको इसे पोस्ट के माध्यम से सेंड करना होगा, तभी आपका ये एक्सेप्टेबल फॉर्म रहेगा। तो देखिए, आप नीचे में स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको और भी डिटेल यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए, मैं आपको इसका दिखा देता हूँ क्वालिफिकेशन। इसमें जो क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर मांगा जा रहा है, 10+2 इंटर पास वाले लोग फॉर्म को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अलावा देखिए, नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी, संस्कृत अप टू मैट स्टैंडर्ड, तो ये सब आपका क्वालिफिकेशन। इंटर पास के साथ आपको हिंदी, इंग्लिश का जानकारी, संस्कृत, मैथ का जानकारी होना ज़रूरी है, तभी आप यहां पर फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। और 2 ईयर का एक्सपीरियंस इन यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, बड़ी ऑफिस का आपका यहां पर एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। तो 2 साल का एक्सपीरियंस यहां पर आपको मांगा गया। और
क्वालिफिकेशन देखिए, पीयून के लिए अगर आप भरना चाहते हैं तो मैट्रिक पास वाले लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज बांट दिया गया, तो बहुत सारा कैटेगरी है। उसके अलावा देखिए हॉस्टल अटेंडेंट के लिए अगर आप भर रहे हैं तो 10+2, उसके साथ आपको नॉलेज ऑफ इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, मैथ, इस तरह से बनाया गया। तो मतलब इसमें पोस्ट बाय पोस्ट बना दिया गया है क्वालिफिकेशन। तो मिनिमम इसमें मैट्रिक पास मांगा गया और मैक्सिमम आपका 12 पास मांगा गया। तो इस तरह से इसका पूरा फुल एडवर्टाइजमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप नीचे में और भी स्क्रॉल डाउन करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन ही खाली दिखेगा, सारा क्वालिफिकेशन यहाँ पर दिखेगा। और उसके साथ आपको 6 मंथ का सर्टिफिकेट ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन का भी यहाँ पर मांगा गया। तो आप अगर इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसका फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। देखिए इसमें जो सिलेक्शन क्रिटिकल जो बताया गया, रिटन टेस्ट 90 मार्क्स का होगा, और देखिए सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया एंड एक्सपीरियंस 10 मार्क्स का। तो टोटल यहाँ पर 100 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा, तभी आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। तो इस तरह से इसका फुल एडवर्टाइजमेंट बनाया गया। और देखिए ये एप्लीकेशन फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म को आपको प्रिंट ले लेना है और इसे आपको भर के आपको पोस्ट के माध्यम से उसको सेंड कर देना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहाँ पे इसका लिंक मैं दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप फॉर्म डाउनलोड कर लीजिएगा और इस फॉर्म को पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही अपडेट दूंगा। आशा करता हूँ वीडियो में सारा कुछ समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसी अपडेट रोजाना आप पाना चाहते हैं जॉब की तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही अपडेट दूंगा, कल फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा अपना, टेक केयर, बाय।